देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स इक्वेशंस मींस MHD इक्वेशंस। हमने वहां पर देखा था कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में हमारे पास टोटल 5 इक्वेशंस होती हैं, जिसमें से हम पहली इक्वेशन डिराइव कर चुके थे और पहली इक्वेशन का नाम था मोमेंटम इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से निकल के आई थी। मोमेंटम इक्वेशन जो थी हमारे पास, करली वी वेक्टर बाय करली टी प्लस वी वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एम ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस न्यू सी वी वेक्टर प्लस जी प्लस डेल पी बाय रो। ये इक्वेशन की पूरी डेरिवेशन हम पार्ट वन वाले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम बाकी की बची हुई 4 MHD इक्वेशन जो है वो डराइव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, डराइव करते हैं सेकेंड MHD इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं लेंजविन्स इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी सेकेंड MHD इक्वेशन है, जिसे हम लेंजविन्स इक्वेशन बोलते हैं, वो एक्चुअली मोमेंटम इक्वेशन से ही ऑब्टेन की जाएगी। अगर हम क्या करें, मोमेंटम इक्वेशन में से ग्रेविटेशनल फोर्स के फैक्टर को ओमिट कर दे और प्रेशर फोर्स को भी कंसिडर ना करे, मींस प्रेशर फोर्स वाली टर्म को भी नेगलेक्ट कर दे और साथ के साथ फर्स्ट ऑर्डर कंसिडरेशन करके चले, मींस जो भी क्वाड्रेटिक टर्म है मोमेंटम इक्वेशन में उसे हम नेगलेक्ट कर दे, तो जो बाकी बची हुई इक्वेशन होगी उसे ही हम बोलेंगे लेंजविन्स इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो ये वाली है। फर्स्ट ऑर्डर कंसिडरेशन में हमें इस क्वाड्रेटिक टर्म को भी नेगलेक्ट करना होगा, तभी हम मोमेंटम इक्वेशन से लेंजविन इक्वेशन तक पहुंच पाएंगे। इफ द ग्रेविटेशनल एंड प्रेशर फोर्स इज नेगलेक्टेड देन द मोमेंटम इक्वेशन बिकम्स। अगर हम मोमेंटम इक्वेशन में से ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर फोर्स के फैक्टर को निकाल दें, तो हम मोमेंटम इक्वेशन जो है वो क्या रह जाएगी, वो रह जाएगी करली वी वेक्टर बाय करली टी प्लस वी वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एम ई वेक्टर प्लस न्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस न्यू सी वी वेक्टर। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। एस वी वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर इज अ क्वाड्रेटिक टर्म, सो वी कैन नेगलेक्ट इट इन द फर्स्ट ऑर्डर कंसिडरेशन। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर कंसिडरेशन कंसिडर करके चले, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक टर्म को यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 12 है वो रिड्यूस होके जो इक्वेशन हमें देगी उसे ही हम बोलेंगे लेंजविन इक्वेशन मींस MHD सेकंड इक्वेशन। इन दिस केस इक्वेशन 12 बिकम्स करली वी वेक्टर बाय करली टी। इस टर्म को हम अब यहां पर नेगलेक्ट कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर कंसिडरेशन में, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एम ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस न्यू सी वी वेक्टर। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी और इसी 13th इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या, लेंजविन्स इक्वेशन इन MHD। तो स्टूडेंट्स, सेकंड MHD इक्वेशन जो कि है लेंजविन इक्वेशन, उसमें बस आपको इतना ही काम करना है। उसमें आपको क्या करना पड़ा, जो मोमेंटम इक्वेशन थी उसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स का फैक्टर और प्रेशर फोर्स का फैक्टर हमें हटाना पड़ा और सेकंड ऑर्डर टर्म को, क्वाड्रेटिक टर्म को हमें यहाँ पर नेगलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कंसिडरेशन करके चलेंगे। तो मोमेंटम इक्वेशन जो है आपकी वो इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे लेंजविन्स इक्वेशन इन MHD। आइए ड्राइव करते हैं थर्ड MHD इक्वेशन, जो कि है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमारे पास MHD में दो प्रकार की इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी। एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो मास कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो हम एक और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिराइव करेंगे वो हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अभी हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट इज रिप्रेजेंटिंग मास कंजर्वेशन, और ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, डेल डॉट रो वी वेक्टर प्लस करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि मास कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें इसे डिराइव करना है, तो आप हेडिंग बना लीजिए डिडक्शन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक प्लाज्मा फ्लूइड जो है वो कंसिडर करना होगा, जो कि इस डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो कर रहा है। इस प्लाज्मा फ्लूइड में हमने एक क्लोज सरफेस एस कंसिडर किया, और ये क्लोज सरफेस एस जो है वो वी वॉल्यूम जो है वो एनक्लोज कर रहा है। इस क्लोज सरफेस एस के अंदर
हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे पी, और इस पॉइंट पी को सराउंड करने वाला एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका वॉल्यूम होगा हमारे पास डी वी। इस P पॉइंट पर जो प्लाज्मा फ्लूइड की वेलोसिटी होगी T टाइम पर, वो हम यहां पर कंसिडर करेंगे V वेक्टर। इस तरह से आपको प्रोसीड करना है, तो आप यहां पर लिखेंगे लेट S अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम V। ये हमारा है एक क्लोज सरफेस S जो कि V वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है। DV स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट सराउंडिंग अ पॉइंट P। इस P पॉइंट को सराउंड करने वाला एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास है DV। V वेक्टर वेलोसिटी ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड एट P एट टाइम T। इस पॉइंट P पर जो प्लाज्मा फ्लूइड की वेलोसिटी होगी T टाइम पर, मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी प्लाज्मा फ्लूइड की P पॉइंट पर, वो हमने यहां पर V वेक्टर कंसीडर कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लेट रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड एट P एट टाइम T। P पॉइंट पर T टाइम पर जो प्लाज्मा फ्लूइड की डेंसिटी है वो हमने यहाँ पर रो मान ली। इंस्टेंटेनियस मास ऑफ द फ्लूइड इन वॉल्यूम V इज, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने इस वॉल्यूम V में इंस्टेंटेनियस मास ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में कितना मास ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड है वो फाइंड आउट करना होगा। डेंसिटी यहाँ पर रो है, तो हम मान सकते हैं कि इस छोटे से स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में जो डेंसिटी है वो रो है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वॉल्यूम एलिमेंट है। तो हमें पता है मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो मास जो होगा इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में वो कितना होगा हमारे पास, रो इंटू डीवी। तो अगर हमें इस पूरे वॉल्यूम में से इंस्टेंटेनियस मास ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे, इस यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डीवी। तो ये जो टर्म है ये आपको देगी इंस्टेंटेनियस मास ऑफ द फ्लूइड इन वॉल्यूम वी। इस पूरे वॉल्यूम वी में कितना इंस्टेंटेनियस मास ऑफ द फ्लूइड है वो यहां से दिया जाएगा। रो डीवी जो है वो इंस्टेंटेनियस मास है छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में। अगर आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर देते हैं तो आपको पूरे वॉल्यूम का इंस्टेंटेनियस मास ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड मिल जाएगा। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इन वॉल्यूम वी इज गिवन बाय, अब मास जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास को हम डिनोट करेंगे डीएम बाय डीटी से। ये हमारे पास m है, ये m की वैल्यू है। तो अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव करें तो हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास मिल जाएगा वॉल्यूम v में। अब ये जो रो है वो हमारे पास फंक्शन होता है स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट का। स्पेस कोऑर्डिनेट मींस r वेक्टर एंड टाइम कोऑर्डिनेट t। तो यहां पर रो जो है वो x y z के साथ साथ t का भी फंक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर रो का टोटल डेरिवेटिव ना लेके यहां पर हमें लेना होगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्योंकि रो जो है वो मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये होगा आपके पास रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इन वॉल्यूम वी। तो स्टूडेंट्स, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 14। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ मास, मास फ्लो रेट इज गिवन बाय फ्लक्स ऑफ रो वी वेक्टर अक्रॉस द बाउंड्री सरफेस एस, दैट इज बाय। इस लाइन के मतलब को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर है रो वी वेक्टर, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आपको इसको समझना होगा। रो वी वेक्टर, रो होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, और वी वेक्टर का क्या होता है हमारे पास, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, इस वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं मास डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, क्योंकि अगर एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस आपको वॉल्यूम देता है, इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज समझनी आपको जरूरी है। तो अगर हम डिस्टेंस से डिस्टेंस काट दें तो ये जो रो वी वेक्टर है ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो जो रो वी वेक्टर होगा वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको मास फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट कंसिडर करेंगे डीएस,
और इसका जो नॉर्मल होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ds वेक्टर, जिसे हम ds इनटू n कैप भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस सरफेस एलिमेंट में से कितना आपका आउटवर्ड फ्लो हो रहा है मास का, मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, जिसे हम मास फ्लो रेट भी बोलते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। इस छोटे से सरफेस में से जो मास फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास रो वी वेक्टर है। तो अगर हमें इस पूरे सरफेस के अक्रॉस निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, तो हम कैसे निकालेंगे, रो वी वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर कर देंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, तो हमें इन दोनों का क्या लेना होगा, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये रिप्रेजेंट कर रही होगी मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू दिस सरफेस ds। कैसे, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। रो क्या है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप लिख दीजिए एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ds क्या हमारे पास, एरिया है। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो गया, तो मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू दिस सरफेस ds वो किससे दिया जाएगा, इस क्वांटिटी से दिया जाएगा। अब हमें इस पूरे सरफेस के थ्रू आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है मास का, तो वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसका सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इस तरह से क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर देते हैं ओवर द बाउंड्री सरफेस s, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ मास, दैट इज मास फ्लो रेट। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस वेक्टर रो वी वेक्टर के फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको किसी वेक्टर ए वेक्टर का फ्लक्स निकालना है, तो वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसी तरह से ये जो क्वांटिटी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्लक्स ऑफ रो वी वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस s, और ये क्वांटिटी आपको क्या दे रही है, ये दे रही है आपको मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज मास फ्लो रेट, दैट इज रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ मास आपको दे रही है। तो आप यहाँ पर लाइन लिख दीजिए, रेट ऑफ आउटवर्ड फ्लो ऑफ मास, दैट इज मास फ्लो रेट इज गिवन बाय द फ्लक्स ऑफ रो वी वेक्टर अक्रॉस द बाउंड्री सरफेस s, दैट इज बाय फ्लक्स ऑफ रो वी वेक्टर ओवर द क्लोज सरफेस s, तो ये आपको देगा मास फ्लो रेट। तो स्टूडेंट्स ये तो आउटवर्ड फ्लो आपको मिल गया, अगर आपको इनवर्ड फ्लो निकालना है मास का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर साइन जो है वो चेंज करना होगा, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो वो होगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ रो वी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसे हम दे देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 15, ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास बता रहा है रेट ऑफ इनवर्ड फ्लो ऑफ मास, मीन्स मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम आपके पास इतना है, और ये क्या बता रहा था, ये भी तो आपको पास रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास बता रहा था वॉल्यूम v में, और वॉल्यूम v कौन एनक्लोज कर रहा था, सरफेस s एनक्लोज कर रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है इक्वेशन नंबर 14 में और ये जो क्वांटिटी है 15th इक्वेशन में, ये दोनों सेम टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल अप्लाई करें, तो जितना हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास होगा वॉल्यूम v में, उतना ही हमारे पास रेट ऑफ इनवर्ड फ्लो ऑफ मास होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इज इक्वल टू रेट ऑफ इनवर्ड फ्लो ऑफ मास, जिस रेट से आपका मास इंक्रीज कर रहा होगा उसी रेट से आपका इनवर्ड फ्लो ऑफ मास जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जो हमने रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास निकाला है वो 14th इक्वेशन में निकाला है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ कर्ली रो बाय कर्ली टी dv इज इक्वल टू, और जो हमने रेट ऑफ इनवर्ड फ्लो ऑफ मास निकाला है वो 15th इक्वेशन में निकाला है, माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ रो वी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये 16th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 16 तक पहुंच चुके थे, इक्वेशन नंबर 16 के राइट हैंड साइड में हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, इसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या कहती है,
कि किसी भी वेक्टर का जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम वी एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। तो ये होती है हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर है वो यहाँ पर रो वी वेक्टर है, तो ये थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ रो वी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट रो वी वेक्टर डी वी बाई यूजिंग दिस रिलेशन। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 16 एंड 17 वी गेट वॉल्यूम इंटीग्रल वी कर्ली रो बाई कर्ली टी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू हमारे पास है ये, तो आप ये वैल्यू पुट कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वी डेल डॉट रो वी वेक्टर डी वी। इस टर्म को आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो आप इसको इधर ला सकते हैं। तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे और डी वी कॉमन लेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल वी कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट रो वी वेक्टर, इधर आके ये प्लस का हो गया, प्लस करली रो बाय करली टी डी वी कॉमन आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी, जब आपका इस इंटीग्रल का इंटीग्रेंड जीरो के बराबर होगा, तो विच इंप्लाइज डेल डॉट रो वी वेक्टर प्लस करली रो बाय करली टी इज इक्वल टू जीरो। और इसे ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर मास कंजर्वेशन इन मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा प्लाज्मा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल हुआ, उस केस में जो डेंसिटी होगी प्लाज्मा फ्लूइड की वो सभी पॉइंट्स पर हर टाइम पर कांस्टेंट बनी रहेगी, तो उस केस में ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ प्लाज्मा इज ट्रीटेड एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड देन रो जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो डेंसिटी होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, हर पॉइंट पर डेंसिटी कांस्टेंट बनी रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो हो जाएगा। तो मीन्स इस टर्म को हमें यहाँ पर जीरो पुट करना होगा। इन दिस केस इक्वेशन 18 बिकम्स डेल डॉट रो वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ से रो कॉन्स्टेंट है इसे आप बाहर ले सकते हैं, रो डेल डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, रो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब डेल डॉट वी वेक्टर जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर मास कंजर्वेशन इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल प्लाज्मा फ्लूइड आपके पास ये निकल के आएगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर मास कंजर्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल प्लाज्मा फ्लूइड जो है वो क्या है, डेल डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। मीन्स ऐसे इनकम्प्रेसिबल प्लाज्मा फ्लूइड के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर का डाइवर्जेंस होगा वो जीरो के बराबर होगा। मीन्स वेलोसिटी वेक्टर जो है यहाँ पर सोलेनोइडल होगा क्योंकि इसका डाइवर्जेंस जो है वो जीरो के बराबर निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंप्लीट होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर मास कंजर्वेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट MHD इक्वेशन को स्टडी करेंगे जो कि होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर चार्ज कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने थर्ड MHD इक्वेशन मींस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर मास कंजर्वेशन जो है वो डिराइव कर ली थी। अब हम ड्राइव करेंगे चौथी MHD इक्वेशन जो कि होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर चार्ज कंजर्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स जैसे हमने स्टेप्स फॉलो किए इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, मींस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मास कंजर्वेशन को डिराइव करने के लिए, वैसे ही स्टेप्स फॉलो करते हुए आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर चार्ज कंजर्वेशन डिराइव कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर दो काम करने होंगे, ये जो रो वी वेक्टर है उसे आपको एक दूसरे वेक्टर से रिप्लेस करना होगा। रो वी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, रो वी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था मास फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये रिप्रेजेंट कर रहा था। पिछले सेक्शन में हमने पूरी डिटेल में इसको स्टडी किया था। तो यहां पर चार्ज कंजर्वेशन के लिए हमें मास की जगह चार्ज लेना होगा, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और वो वेक्टर है हमारे पास करंट डेंसिटी वेक्टर जे वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट डिवाइड बाय एरिया। करंट क्या होता है हमारे पास, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम मींस चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, आई की जगह हमने चार्ज अपॉन टाइम लिख दिया और नीचे है एरिया। तो ये जो जे वेक्टर है
ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर चार्ज कंजर्वेशन के लिए रो वी वेक्टर को जे वेक्टर से रिप्लेस करना होगा। तो आप यहाँ पर डेल डॉट रो वी वेक्टर की जगह लिखेंगे डेल डॉट जे वेक्टर। और दूसरा काम आपको क्या करना होगा, ये जो रो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था मास डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड एट पॉइंट पी। तो मास डेंसिटी को आपको रिप्लेस करना होगा चार्ज डेंसिटी से। चार्ज डेंसिटी को हम यहां पर रो ई से डिनोट करेंगे। तो आपको रो को रिप्लेस करना होगा रो ई से, मास डेंसिटी को चार्ज डेंसिटी से रिप्लेस करना होगा। तो आप लिखेंगे प्लस करली रो ई बाय करली टी इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन होगी, यही इक्वेशन होगी हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट इज फॉर चार्ज कंजर्वेशन। तो आप यहां पर लिखेंगे प्रोसीडिंग सिमिलरली एज इन केस ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर मास कंजर्वेशन वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर चार्ज कंजर्वेशन बाय रिप्लेसिंग रो वी वेक्टर बाय जे वेक्टर दैट इज करंट डेंसिटी वेक्टर एंड रो बाय रो ही दैट इज इंस्टेंटेनियस चार्ज डेंसिटी। तो आपको इस इक्वेशन से ये इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहां पर रो वी वेक्टर की जगह यहां पर आ जाएगा जे वेक्टर और रो की जगह आ जाएगा हमारे पास यहां पर रो ई। तो स्टूडेंट्स आप सीधा लिखेंगे यहां पर डेल डॉट जे वेक्टर प्लस कर ली रो ई बाय कर ली टी इज इक्वल टू जीरो। रो वी वेक्टर था हमारे पास मास फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और जे वेक्टर हमारे पास है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और रो जो है वो इंस्टेंटेनियस मास डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड था, रो ही हमारे पास है इंस्टेंटेनियस चार्ज डेंसिटी। तो अब बात करते हैं लास्ट एमएचडी इक्वेशंस की, जो कि और कुछ नहीं बल्कि मैक्सवेल इक्वेशंस ही हैं। जब प्लाज्मा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशंस का सहारा तो लेना ही होगा। हमारे पास चार मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कर ली बी वेक्टर बाय कर ली टी, डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस कर ली डी वेक्टर बाय कर ली टी, डेल डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो ई बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो इक्वेशंस हैं ये फ्री स्पेस के लिए है, बट फ्री स्पेस जो है उसमें हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है और जहां पर मीडियम डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट को देखना पड़ता है, उसे कंसिडर करना पड़ता है। बट प्लाज्मा जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फ्लूइड है, कंडक्टिंग फ्लूइड है। तो हम प्लाज्मा फिजिक्स के केस में मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं करते हैं। तो आपको इन इक्वेशंस में हल्का सा चेंज करना होगा, जहां भी आपको डिस्प्लेसमेंट करंट दिखाई दे वो फैक्टर आपको जीरो करना होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कर्ली डी वेक्टर बाय कर्ली टी, तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को आपको सिंपली डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस कर्ली डी वेक्टर बाय कर्ली टी ना लिख के सिंपली इक्वल टू जे वेक्टर लिखना होगा। तो ये होंगी हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा के बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां पर लिखेंगे इन एमएचडी वी डोंट कंसीडर डिस्प्लेसमेंट करंट डी वेक्टर एज प्लाज्मा मीडियम इज कंडक्टिंग एंड कॉन्टिन्यूस। प्लाज्मा मीडियम कॉन्टिन्यूस और कंडक्टिंग होने की वजह से हम मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं करते हैं। तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस होंगी जो प्लाज्मा के बिहेवियर को डिस्क्राइब करेंगी वो कुछ इस प्रकार से दी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास पांच एमएचडी इक्वेशंस। पहली थी हमारे पास मोमेंटम इक्वेशन, दूसरी थी हमारे पास लेंजविंस इक्वेशन, तीसरी थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर मास कंजर्वेशन, चौथी थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर चार्ज कंजर्वेशन और पांचवी है हमारे पास सेट ऑफ फोर मैक्सवेल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।